blinding. Go away and go from the bad guys. Follow my advice, cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Assalamualaikum mama log, kaise ho aap log? Khair se ho? Theek thaak ho? Ummeed karta hu aap sab khair se honge, theek thaak honge. Aaj ka hamara plan tha पीर गैब जाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीर गैब जो है वो बंद है। हमने बहुत ज़बरदस्त प्लान किया हुआ था कि हम जाएंगे वहाँ पर, वीडियोस बनाएंगे, ड्रोन शॉट्स लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा सके। राइट नाउ वी आर इन ढाडर बाईपास। यहाँ पर थोड़ा हम रुके हैं, काफ़ी अच्छा मौसम है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, और हमें एक दो ड्रोन शॉट्स भी लिए हैं। तो देखते हैं, अब आगे निकलते हैं। इसी भी तक अगर कोई जगह हमें अच्छी नज़र आई तो हम वहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि शॉट्स वगैरह लें और आप लोग को डिटेन करें। Go, mommy, go, now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize, cause it's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. तो भाई हम लोग इधर रुके हैं, क्या नाम है मौसी इस जगह का? पता नहीं यार। हम बोलान में ना एक स्पॉट पे रुके, थ्रू आउट बोलान में जहाँ जहाँ पर पानी है, फैमिलीज जो हैं वहाँ पर रुक रही हैं और एंजॉय कर रही हैं, क्योंकि पीर गैब जो है बंद है लास्ट 1 मंथ से, और स्टिल वहाँ पर काम वगैरह चल रहा है, होपफुली कि वो जल्दी खुल जाए। रास्ते में हमने काफ़ी जगहों पर देखा कि यार फैमिलीज जो हैं वो रुकी हुई हैं और इन्जॉय कर रही है। तो आप लोग भी आएँ और जहाँ आपको अच्छा लगे आप लोग पानी की तरफ आए, गाड़ी ले जाके रुक जाएं। पानी की तरफ खजूरी से थोड़ा आगे आके खजूरी की तरफ बहुत सारे फैमिलीज वगैरह आए हुए हैं, रश लगा हुआ है। तो जितने जितने भी स्पॉट्स हैं आप इस तरफ अगर कैमरा करें तो यहाँ पर भी फैमिलीज जो है आ रही है रोजाना हो रहा है, क्योंकि पीर गैब बंद है। बोलान के जो इस तरह के अनडिस्कवर्ड स्पॉट्स आप कह रहे हैं, आप लोग उतर के आराम से इधर आके फैमिली इंजॉय कर सकते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है हमें, लबेशीरी सा हो रही है, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। तो मौसी भाई कैसे हैं, तासुरात आपके इस स्पॉट के हवाले से? जिसने नहाने आने ना यहाँ आ, बहुत ही प्यारा मौसम है। और पानी कैसा है, ठंडा है या गर्म है? नॉर्मल है, ठंडा भी नहीं है, बहुत मजा आएगा। मतलब बंदा जो है दिसंबर के महीने में यहाँ आराम से नहा सकते हो, हल्की हल्की हवा चल रही है और यहाँ पर फैमिलीज भी आ रहे हैं। खजूरी का बताए वहाँ पर कितने फैमिलीज थे? यार जब हम लास्ट टाइम गए तो कोई फैमिली नहीं थी, क्योंकि हम रात के टाइम गए थे ना, ठीक है, और हमने पूरी रात वहाँ वहीं गुजारी थी, ठीक है। और भी इसी तरह यार दोस्त आए हुए थे, उन्होंने अपना एक महफिल बना के रखा होता और पूरी रात हमने इसी तरह गुजारी है। जब भी हम बोर हुआ करते थे पानी की तरफ आ जाया करते थे, एक दूसरे को गिराया करते थे, खूब मज़ा आया। और अभी जब आप खजूरी से होते हुए आ रहे थे तो क्या बताएंगे व्यूअर्स को कि मामा लोग को कि कितनी फैमिलीज आई हुई हैं वहाँ पर और कितने लोग हैं? हाँ अभी दरअसल मैं
क्वेटा में काफी ठंड हो रही है और छुट्टियां भी आ गई हैं, तो जाहिर सी बात है जो लोग घर में बोर हो गए हैं या कामों से उनको छुट्टियां मिल गई हैं वो इस तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा भी पानी आपको और उस तरफ भी जाके मिलेगा। थ्रू आउट बोलान के रास्ते में मतलब सारी जगह पर पानी है और जहाँ जहाँ से रास्ता है लोग नीचे उतर रहे हैं रोड से और एंजॉय कर रहे हैं, विद फैमिली एंजॉय कर रहे हैं। हल्का सा बहुत स्लोली मूव कर रही स्पीड से मूव कर रहा था, मतलब ऐसा था कि अगर आप वहाँ लेट जाओ ना तो आपको सिर्फ स्लोली वो लेके आ सकता है। अभी आप इसमें कोई गौता लगाओ तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये अच्छा है यार फॉर किड्स फॉर फैमिलीज, इस तरह इतना फ्लो पानी का अच्छा है, सारे आएंगे एंजॉय करने। With the bills.